नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IMT हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI के बारे में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों SBI ने अपने ग्राहकों को एक खास मैसेज भेजा है और उस मैसेज में इन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया है कि जो लोग KYC नहीं करवाए हैं अपने अकाउंट का, वो 28 फरवरी 2020 तक KYC को कम्प्लीट करवा ले। अगर आप 28 फरवरी 2020 तक KYC कम्प्लीट नहीं करवाते हैं अपने SBI अकाउंट का, तो आपका जो अकाउंट है 29 फरवरी 2020 से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम पूरे विस्तारित रूप से बात करते हैं कैसे आप KYC को कंप्लीट कर पाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा और कौन ऐसे यूजर है जिनका KYC करना अभी रिक्वायर्ड है। दोस्तों यदि आपका अकाउंट SBI में है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने अपना अकाउंट को ओपन करवा रखा है और अभी तक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं किया जिससे आपका KYC कंप्लीट हो सके, तो यथाशीघ्र आपको 28 फरवरी 2020 से पहले अपने ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। वहां पर आपको एक KYC को भर के देना पड़ेगा, जिसके साथ आप अपने आधार कार्ड को लगा सकती हैं, पैन कार्ड को लगा सकती हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी डॉक्यूमेंट का आपको ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। ये जाकर अपना KYC को कम्प्लीट कर सकती हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो लोग ऑनलाइन अकाउंट ओपन किए थे उनके लिए भी ये ज़रूरी संदेश है कि 28 फरवरी 2020 से पहले अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो 28 फरवरी 2020 तक आप उस अकाउंट का KYC जरूर कंप्लीट कर ले। दोस्तों अगर आपने अकाउंट का KYC कंप्लीट करके रखा है, डॉक्यूमेंट आपने ब्रांच में जाकर दिया है और वहां से अपने अकाउंट का KYC कंप्लीट करवाया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अपना अकाउंट का KYC नहीं करवाए हैं, चाहे उनका पुराना अकाउंट हो या फिर नया अकाउंट हो, अगर नया अकाउंट आप ब्रांच से ओपन करवाती हैं तो इंस्टेंटली आपका KYC हो जाता है। लेकिन जिनका पुराना अकाउंट हो, जिस पर वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करती हैं या फिर ज़्यादा दिन से ट्रांजैक्शन नहीं करती हैं, फिर भी उनका जो अकाउंट है ट्रांजैक्शन के लिए जिंदा है और हर काम के लिए जिंदा है, तो उनका जो अकाउंट का अगर KYC 28 फरवरी 2020 से पहले नहीं होता है तो 29 फरवरी 2020 को उनका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। यानी कि अब जो है वो अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन, लेन देन वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट जो है यहाँ पर SBI की तरफ से निकल कर सामने आई है। हालांकि ये SMS के द्वारा जानकारी धीरे धीरे करके ग्राहकों को दिया गया है, ये जानकारी बहुत पहले ही बहुत लोगों को मिल चुका होगा SMS के द्वारा और बहुत लोगों को अब धीरे धीरे करके ये जानकारी मिल रहा है। तो 28 फरवरी 2020 से पहले आप अपने SBI अकाउंट का KYC जरूर करवा लीजिए। अगर हम बात करें ऑनलाइन KYC के बारे में, तो दोस्तों ऑनलाइन KYC में आप जो है अपना आधार कार्ड को, अपने पैन कार्ड को लिंक कर सकती हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है ऑफलाइन कोशिश कीजिए, ऑफलाइन जाइए वहां पर। और थोड़ा सा दिक्कत भी होता है ऑनलाइन KYC करने में, तो इससे बेटर होगा कि आप जो है ऑफलाइन KYC करवा लीजिए। अगर आपके पास वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड है तो ऑफलाइन जाकर, अपने ब्रांच में जाकर SBI अकाउंट का KYC जरूर करवा लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो SMS हमें प्राप्त हुआ था, उस SMS के आधार पर हमने आपको जानकारी दे दिया है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि आपने KYC को कंप्लीट नहीं किया है तो लास्ट डेट जो है 28 फरवरी 2020 को रखा गया है। अगर आप 28 फरवरी 2020 तक KYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि RBI के नियम के अनुसार आपके अपने बैंक अकाउंट का KYC करना रिक्वायर्ड है, बहुत ही जरूरी है, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप SBI के कस्टमर नहीं भी है, अगर दूसरा बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवा रखा है और इसमें अगर आपने अभी तक KYC नहीं करवाया है, तो जरूर KYC करवा लीजिएगा। क्योंकि लास्ट डेट जो है सभी का आते रहता है, जैसे अभी लास्ट डेट SBI ने निकाला 28 फरवरी 2020, तो ऐसे ऐसे करके अदर बैंक का भी डेट आएगा। इससे पहले अगर आप जा रहे हो ब्रांच, तो कोशिश करें जितने सारे बैंक अकाउंट आपने ओपन करके रखा है सारा में KYC जरूर क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। अगर बैंक अकाउंट को क्लोज करना चाहती हैं तो आप जाकर ब्रांच में भी क्लोज करवा सकती हैं काफ़ी आसानी से। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया है SBI के बारे में, जो अपडेट आया, SMS आया, इसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करा दिया है। हो सके
सकता है कि आपको एसएमएस मिल गया होगा। अगर अभी तक आपको एसएमएस नहीं मिला है तो धीरे धीरे करके आज न कल आपको एसएमएस जरूर मिलेगा, जिसमें एक्सपायर यानी कि लास्ट डेट जो है 28 फरवरी 2020 ही लिखी जाएगी और बिल्कुल सटीक जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो इसी तरह के बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि उनका अगर अकाउंट SBI में है तो वो 28 फरवरी 2020 से पहले KYC अपना जरूर करवा ले। ये कोई ज़रूरी नहीं कि नया अकाउंट या फिर पुराना अकाउंट या फिर जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन किए हैं उनके लिए है, जो अपने अकाउंट पर KYC सबमिट नहीं किए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो अपने अकाउंट पर KYC जरूर सबमिट कर ले 28 फरवरी 2020 से पहले। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।